हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले क्लोपजी क्रीम के बारे में, जिसका उपयोग बैक्टीरिया से होने वाले स्किन इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए यूज में लिया जाता है। और जो लोग इस क्रीम का उपयोग गोरा होने के लिए यूज में लेते हैं, वो भी इस वीडियो को जरूर देखें। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या इसके यूजेज हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट्स हैं और इस क्रीम को लगाने का सही तरीका क्या है। तो पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्लोपजी क्रीम के बारे में। मैं आपका दोस्त पवन शर्मा और हमारे मेडिकल चैनल में आपका स्वागत है। क्लोपजी क्रीम के बारे में बात करते तो जाइडस कैडिला इसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। अगर हम इसके कंपोजिशन के बारे में बात करते तो इसमें दो तरह के कंपोजिशन होते हैं, जिसमें कि क्लोबिटासोल 0.05% वेट बाय वेट होता है और जेंटामाइसिन के बारे में बात करते तो 0.1% वेट बाय वेट होता है। अगर हम इसके MRP के बारे में बात करते तो 29 रुपए इसका MRP होता है और 30 ग्राम की पैकिंग में यह क्रीम आती है। अब हम इस क्रीम के यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं। इस क्रीम का उपयोग किस प्रकार के बैक्टीरिया से होने वाले स्किन इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए यूज में लिया जाता है। यूजेस के बारे में बात करते तो इस क्रीम का उपयोग सोरायसिस को ठीक करने के लिए यूज में लिया जाता है। सोरायसिस एक त्वचा विकार है, जिसमें त्वचा पर लाल पर्दार चकत्ते दिखाई देते हैं। सोरायसिस एक संक्रामक रोग नहीं है, यह एक बार 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 होने वाली बीमारी है, जो कि समय के साथ बदतर और बदतर हो जाती है। अब हम सोरायसिस के कुछ लक्षण के बारे में बात कर लेते हैं। सोरायसिस एक बार बार होने वाली बीमारी है, जो कि आपकी त्वचा को प्रभावित करती है। त्वचा पर खुजली होती है और कभी कभी तो कंडीशन इतनी खराब हो जाती है कि त्वचा पर सूजन हो सकती है और कई बार तो आप दर्द भी महसूस कर सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप त्वचा पर छोटे पर्दार धब्बे, शुष्क फटी त्वचा जिसमें खून भी निकल सकता है, ये इसके कुछ लक्षण हैं। तो सोरायसिस को ठीक करने के लिए डॉक्टर के द्वारा क्लोपजी क्रीम दी जाती है और पेशेंट को बहुत ही अच्छा फायदा मिलता है। और बात कर तो इस क्रीम का उपयोग इम्पेटिगो नाम की बीमारी को ठीक करने के लिए भी यूज में लिया जाता है। इम्पेटिगो क्या होता है? इम्पेटिगो स्टेफिकोकस ओरोसिस और स्टेफिकोकस पाइजिन बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग है। यह त्वचा की भारी परत में होता है, जिसे हम एपिडर्मिस भी कहते हैं। चेहरे, हाथ, पैरों की त्वचा सबसे अधिक प्रभावित होती है। इम्पेटिगो किसी को भी हो सकता है, लेकिन यह बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज्यादातर 2 से 5 उम्र की वर्ष के बच्चों को होता है। यह संक्रमण अधिकतर हल्के कट के अंदर कीड़े के काटने वाले जगह पर या चकत्ते जैसे कि एक्जिमा में हो सकता है, लेकिन यह स्वस्थ त्वचा में भी हो सकता है। अगर हम इसके लक्षण के बारे में बात करें तो इम्पेटिगो शरीर में कहीं भी हो सकता है, लेकिन बच्चों को चेहरे पर होता है। कभी कभी उन्हें यह बीमारी हाथ या पैरों में भी हो सकती है। सबसे पहले फफोले बनने शुरू होते हैं, जो फूट जाते हैं और आसपास की त्वचा लाल पड़ जाती है। कुछ दिनों बाद आसपास की त्वचा तक भी फैल जाते हैं। तो इम्पेटिगो को ठीक करने के लिए डॉक्टर के द्वारा यह क्रीम दी जाती है। और बात कर तो इस क्रीम का उपयोग एक्जिमा को ठीक करने के लिए भी यूज में लिया जाता है। एक्जिमा क्या है? एक्जिमा एक तरह का स्किन डिजीज है, जिसमें स्किन पर जगह जगह पर खुजली, दरारे और खुरदरापन हो जाता है। अगर हम इसके लक्षण के बारे में बात कर तो तेज खुजली होती है, लाल या भूरे रंग के पेच बन जाते हैं, छोटे उभराव जिनमें खरोच लगने पर फ्लूड निकलता है, सूखा पीला रिसाव जो संक्रमण का संकेत हो सकता है, मोटी पपड़ीदार त्वचा। एक्जिमा को खरोचने से त्वचा में इन्फ्लामेशन बढ़ जाती है और एक्जिमा को खरोचने से त्वचा में इन्फ्लामेशन बढ़ जाती है, ये इसके कुछ लक्षण हैं जो हमें दिखाई दे सकते हैं। तो एक्जिमा को ठीक करने के लिए भी डॉक्टर के द्वारा क्लोपजी क्रीम दी जाती है। और बात कर तो इस क्रीम का उपयोग सेलुलाइटिस नाम की बीमारी को ठीक करने के लिए भी यूज में लिया जाता है। सेलुलाइटिस एक आम और गंभीर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। सेलुलाइटिस में त्वचा में सूजन व लालिमा आ जाती है, जो छूने पर गर्म लगती है और उसमें छूने पर दर्द भी महसूस होता है। यह रोग शरीर के दूसरे भागों में भी काफी तेजी से फैलता है। अगर हम इसके लक्षण के बारे में बात करें तो दर्द का होना, सूजन का होना, बुखार का होना, लाल धब्बे होना, त्वचा का गर्म होना या त्वचा पर फफोले बनना या त्वचा का
कोई भाग लाल हो जाना जिसका आकार बढ़ रहा होता है, ये इसके कुछ लक्षण हैं जो हमें दिखाई दे सकते हैं। और बात कर तो इस क्रीम का उपयोग लाइकेन प्लेनस नाम की बीमारी को ठीक करने के लिए भी यूज में लिया जाता है। लाइकेन प्लेनस एक सूजन संबंधी समस्या है जो कि त्वचा, बालों, नाखूनों और श्लेष्मा झिल्ली को प्रभावित करती है। लाइकेन प्लेनस में त्वचा में बैंगनी रंग के दानों की तरह निशान होना और उसमें खुजली लगना एक आम बात है। यह समस्या कुछ सप्ताह तक होती है। अगर हम इसके लक्षण के बारे में बात करें तो लाइकेन प्लेनस में रोगी की त्वचा और जनन अंगों पर हल्के से उभार के बैंगनी रंग के निशान पड़ जाते हैं। लाइकेन प्लेनस के अन्य लक्षणों में व्यक्ति के शरीर में कुछ ही महीनों में या कुछ सप्ताहों में घाव उभरना, रेस की जगह पर खुजली होना, मुंह में सफेद चिपचिपे द्रव युक्त घाव या फफोले आदि शामिल है। ये कुछ लक्षण हैं जो हमें दिखाई दे सकते हैं। तो लाइकेन प्लेनस नाम की बीमारी को ठीक करने के लिए भी डॉक्टर के द्वारा क्लोप जी क्रीम दी जाती है। और बात करें तो डर्मेटाइटिस नाम की बीमारी को ठीक करने के लिए भी इस क्रीम का उपयोग किया जाता है। डर्मेटाइटिस में त्वचा में लालिमा के साथ सूजन और जलन की स्थिति को हम डर्मेटाइटिस कहते हैं। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें त्वचा पर चकत्ते होने के साथ साथ खुजली और सूजन होती है। अगर हम इसके लक्षण के बारे में बात करें तो चकत्ते होना, फफोले होना, त्वचा का सूखा या फटना, खुजली होना, चुभन होना और जलन के साथ साथ प्रभावित हिस्से में दर्द का होना, त्वचा पर लालिमा का होना, सूजन का होना, ये कुछ लक्षण हैं जो हमें दिखाई दे सकते हैं। और बात करें तो जो लोग इस क्रीम को गोरा होने के लिए यूज करते हैं, यह क्रीम उनको गोरा नहीं करती है। यह क्रीम क्या करती है, यह उनकी स्किन को पतला कर देती है जिसकी वजह से उनको लगता है कि वह गोरे हो गए हैं, लेकिन उनकी जो स्किन है यानी कि जो फेस की त्वचा है वह पतली हो जाती है, यानी कि जो ऊपर वाली परत होती है वह हल्की हो जाती है। इसी की वजह से उन्हें लगता है कि वह गोरे हो गए हैं, लेकिन यह इस क्रीम का साइड इफेक्ट होता है जो कि लंबे समय तक लगाने के बाद दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स, ये इस क्रीम के यूजेस के बारे में जानकारी थी। अब हम इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जब आप इस क्रीम को यूज करते हैं तो क्या क्या साइड इफेक्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। साइड इफेक्ट्स के बारे में बात कर तो इस क्रीम को अप्लाई करने से आपकी जो स्किन है वह शुष्क हो सकती है, यानी कि सूखी त्वचा हो सकती है। इस क्रीम को यूज करने से आपकी स्किन पर खुजली, जलन और दाने हो सकते हैं। और इस क्रीम को ज्यादा यूज करने से आपकी जो स्किन है वो भी पतली पड़ जाती है। ये कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको ये इसके अलावा कोई और साइड इफेक्ट देखने को मिले तो तुरंत आप इस क्रीम को बंद कीजिए और अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए ताकि फर्दर ट्रीटमेंट आपको दिया जा सके। अब वीडियो के लास्ट में हम बात कर लेते हैं इस क्रीम को आपने यूज कैसे करना है, यानी कि इस क्रीम को आपने आपकी स्किन पर लगाना कैसे है। इस क्रीम को यूज करने से पहले आपने अपनी स्किन को अच्छे से धो लेना है, यानी कि उसकी सफाई कर लेनी है। उसके कुछ टाइम के बाद जैसे ही आपकी स्किन सूख जाती है उसके बाद आपने इस क्रीम को अप्लाई करना है और इस क्रीम को आपने गोल गोल अप्लाई करना है, यानी कि बाहर वाले पार्ट से लगाकर अंदर वाले पार्ट में लगाते आ जाना है। इस तरीके से आपने इस क्रीम को लगाना है ताकि आपका इन्फेक्शन बाहर जाने की बजाय अंदर आते आते खत्म हो जाए। यह क्लोप जी क्रीम के बारे में पूरी जानकारी थी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।